Yes, good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Yes, everyone is requested to keep your camera in the working mode so that we can start the class on time. So today we have to basically start on the MySQL practical. So first I am going to show you the practical, which practical we are going to start today. And you can see here, after the Python practicals, the very first practical is to create the database. So this is the first practical, how to create the database. So everyone is requested to keep your camera in the working state. So how we start working with the MySQL? Anyone can say the procedure how we start working with the MySQL? MySQL ko kaise use kaise karte hain apne system pe? So I will allow you. You can unmute yourself and can participate in the discussion. Yes, anyone? Number of students you have already used. Sir, first. Yes. Sir, first of all, we have to create the table, and then we can insert values in it, and then we can perform queries on it. देखो जो हमारा पहला प्रैक्टिकल है श्रिया दैट इज टू क्रिएट द डेटाबेस यू नो फॉर क्रिएटिंग द टेबल वी फर्स्ट मस्ट हैव अ डेटाबेस सो दैट इज हाउ वी स्टार्ट विद माय एसक्यूएल पहला स्टेप है कि हमें अपने डेटाबेस क्रिएट करना पड़ता है एंड देन वी कैन स्टार्ट वर्किंग विद दिस तो बिफोर दैट हाउ वी बेसिकली माय क्वेश्चन इज बेसिकली कि प्रैक्टिकली हम माय एसक्यूएल को कैसे यूज करते हैं अमरवीर इज सेइंग यूजिंग XAMPP कमांड प्रॉम्प्ट पे भी कर सकते हैं हाँ कमांड प्रॉम्प्ट पे ही कर रहे हैं हम इतनी देर से और कौन कौन से प्रॉम्प्ट पे कर रहे हैं वी आर वर्किंग ऑन द कमांड प्रॉम्प्ट ओनली XAMPP में यूजिंग XAMPP वी आर वर्किंग ऑन द कमांड प्रॉम्प्ट क्लियर सो फर्स्ट आई विल अगेन शो यू यस देयर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आई एम रिक्वेस्टिंग अगेन सो आई विल नॉट रिपीट अगेन एंड से प्लीज कीप योर कैमरा इन द वर्किंग मोड सो विद इन द क्लास when I find someone without camera, so I will remove those persons from the class. Next is here you can see जो data management के practicals हैं, that is SQL commands, उसमें practical number 50 ना create a database. So जब भी हमने table create करना होता है, तब पहला step होता है हमारा that is to create a database. और next practical है हमारे पास to create a student table. With the student ID, class, section, gender, and name, date of birth, and marks as attributes, where the student ID should be kept as primary. Clear? So these two practicals we will try to do today. Clear? So the class is there. So first of all, now we move to the. Command prompt, rightly said by Mr. Gullin. So I think you are able to view this. This command is ये जो command होती है that is
ये कमांड किस लिए है? MySQL underscore u root, this is how to give the username. ठीक है, ये यूजर नेम है क्योंकि मेरे डेटाबेस का यूजर नेम क्या है? रूट है. सो दिस इज द कमांड फॉर मेंशनिंग द यूजर नेम. और ये कमांड अभी चलेगी नहीं बिकॉज आई हैव नॉट स्टार्टेड द XAMPP ऑन माय सिस्टम. तो XAMPP के बिना कभी हम लॉगिन नहीं कर पाएंगे. फर्स्ट वी नीड टू वर्क ऑन द XAMPP. XAMPP आपको पता ही है किस तरह की है. XAMPP की विंडो आई विल शो यू दैट फॉर योर फेमिलियरिटी विद दिस. जैसे ये विंडो दिखाई दे रही है आपको, यस, ये XAMPP वाली विंडो दिखाई दे रही है. ठीक है, तो इसमें ये अपाचे सर्वर है, इसको स्टार्ट करना पड़ता है और MySQL इसको स्टार्ट करना पड़ता है. देन वी कैन हैव कनेक्टिविटी विद द डेटाबेस. बस यही, इसका और कोई फर्दर अभी हमारे लिए कोई खास पर्पज नहीं है. ठीक है, सो नाउ आई विल शो यू द कमांड प्रॉम्प्ट. अभी यहां पे हम फिर से वही कमांड देंगे, दैट इज हाउ टू लॉग इन. कैसे हम यूजर नेम कैसे दे, सो दिस इज हाउ टू डू कनेक्टिविटी. ठीक है जी, अब नाउ वी हैव लॉग इन इन टू MySQL. अब MySQL के अंदर फर्स्ट हमारा स्टेप क्या होना चाहिए? बेसिकली अगर हम इसके अंदर जो ऑलरेडी डाटाबेस बने हुए हैं उनको देखने के लिए शो डाटाबेसेस. सो यू कैन नोट डाउन दिस कमांड आल्सो. शो डाटाबेसेस में क्या है, जितने भी डाटाबेस अभी तक मैंने बनाए हुए हैं अपने MySQL के अंदर, वो उस सभी की लिस्ट यहाँ पे शो हो जाएगी आपको. क्लियर. और प्रैक्टिकल में फर्स्ट जो हमारी स्टेटमेंट थी, दैट इज टू क्रिएट द डाटाबेस. तो डाटाबेस को क्रिएट करने के लिए स्टेटमेंट भी वही है, क्रिएट डाटाबेस और जो भी आप डाटाबेस का नाम रखना चाहते हो. तो लेट्स से कि इसका नाम हम रख देते हैं ग्रेड वन. ठीक है, लास्ट पे सेमी कॉलन. तो यहां पे क्या आ गया हमारे पास, क्वेरी वन वन रो इफेक्टेड. तो मींस हमारे डाटाबेस जो है वो सक्सेसफुली बन गया है. डाटाबेस का नाम क्या है? ग्रेड 11. अगर हम इसको देखना चाहते हैं कि ये डाटाबेस बन गया या नहीं है, यू कैन अगेन रन दी शो डाटाबेसेस कमांड. ये एरो की से आप पुरानी कमांड्स को देख सकते हो. ठीक है, जो अप दो एरो कीज हैं, लेफ्ट एंड राइट वाली या अप डाउन वाली, इनमें से कोई भी आप यूज करके शो डाटाबेसेस पे क्लिक करोगे तो ये देखो ग्रेड 11 नाम से डाटाबेस बन गया. क्लियर है ये. सो फर्स्ट स्टेप इज कि पहले हमें डाटाबेस क्रिएट करना पड़ता है, उसके बाद स्टेटमेंट होती है यूज डाटाबेस. यूज, अब मेरे डाटाबेस का नाम क्या है? ग्रेड 11. तो यहां पे मैसेज क्या आ गया? डाटाबेस चेंज्ड. अब यहां पे क्या आ रहा है? MariaDB और साथ में क्या लिखा आ रहा है? ये ग्रेड 11. तो इसका क्या मीनिंग है कि प्रेजेंटली हम ग्रेड 11 में, ग्रेड 11 जो डाटाबेस है उसके अंदर काम कर रहे हैं. क्लियर है या नहीं? सबसे पहला स्टेप क्या है हमारे लिए? फर्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट द डाटाबेस. एंड देन जब भी हमने टेबल क्रिएट करना है वो डाटाबेस के अंदर जाके ही क्रिएट होगा. सो फर्स्ट वी हैव क्रिएटेड द ग्रेड 11 एज ए डाटाबेस और बाद में मैंने कमांड यूज की यूज डाटाबेस. तो इस डाटाबेस का मैंने नाम लिखा यहां पे, नाउ आई हैव एंटर्ड इनटू दिस पर्टिकुलर डाटाबेस. ठीक है जी, क्लियर है ये. जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल है हमारा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन दैट इज आई विल शो यू कि नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्या है. पहला स्टेप तो हो भी गया है हमारे लिए, ये जो टू क्रिएट ए डाटाबेस. क्रिएट ए डाटाबेस तो हार्डली एक मिनट का भी काम नहीं है, एक मिनट से भी कम टाइम में क्रिएट डाटाबेस स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट हो गई है. नेक्स्ट जो हमारा मेजर टास्क है, दैट इज टू क्रिएट ए स्टूडेंट टेबल, जिसमें है हमारे पास स्टूडेंट आईडी, क्लास, सेक्शन, जेंडर, नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड मार्क्स. ठीक है, तो स्टार्ट करें इसके ऊपर. सो शुड वी नाउ मूव टू दी कमांड प्रॉम्प्ट टू मेक दी स्टूडेंट टेबल. तो नाउ हियर उसके लिए स्टेटमेंट कौन सी होती है हमारे पास? क्रिएट टेबल एंड
the name of the table is student ही रख लेते हैं इसका नाम. पहला एट्रीब्यूट कौन सा था? स्टूडेंट आईडी. स्टूडेंट आईडी को स्टूडेंट आईडी रख लेते हैं और इसकी डाटा टाइप को लेट्स से वी कीप इट स्टैंडर्ड टाइप एस. वैसे तो वेरकर भी चल जाती है इसमें, ऐसा कुछ नहीं है. लेट्स वी कीप इट एस लेट्स इंटीजर ही रख लेते हैं. और इसको हमने रखना था प्राइमरी की. ऐसे था. नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप नंबर टू. क्या है दूसरा? कौन सा था हमारे पास एट्रीब्यूट? दूसरा एट्रीब्यूट था हमारे पास क्लास, सेक्शन, जेंडर एंड नेम. तो नेम को हम पहले ले आते हैं. नेक्स्ट कौन सा था? नेक्स्ट है हमारे पास क्लास है, फिर सेक्शन है. क्लास की डाटा टाइप हम करेक्टर रख लेते हैं. और सेक्शन है नेक्स्ट. सेक्शन भी करेक्टर टाइप रख लेते हैं. नेक्स्ट इज जेंडर. जेंडर भी करेक्टर वन, मेल एंड फीमेल. एंड द नेक्स्ट थिंग दैट वाज आस्क्ड इज डेट ऑफ बर्थ एंड मार्क्स. डेट ऑफ बर्थ की डाटा टाइप होगी डेट एंड मार्क्स की हम रख लेते हैं इंटीजर. सो आई थिंक दैट्स ओके एंड दिस विल बी एबल टू क्रिएट इट. सो देयर इज सम प्रॉब्लम इन द कमांड. यू हैव एंटर्ड इन योर एसक्यूएल सिंटैक्स चेक दी. कौन सा एरर है ये? तुम्हारी डीबी सर्वर वर्जन फॉर योर राइट सिंटैक्स नियर. ये डेट ऑफ बर्थ से पहले आई है. सो नाउ वी हैव बीन एबल टू मेक दी. वो स्पेस का एक स्पेस नहीं डाली हुई थी मैंने. नाउ यू कैन सी दी स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर हियर. So this is the structure of the table. Table name is student. उसके जो different fields हैं, student ID, integer 11. So integer maximum. देखो बहुत बड़ा number हम store कर सकते हैं जिसकी width means 11 digit हो सकते हैं जिसके अंदर. Name है, class है, section है, gender है, date of birth and marks है. ये देखो इसके अंदर जो नेम है उसको हमने वेरकर टाइप क्यों रखा हुआ है? इसको करेक्टर टाइप क्यों नहीं रखा हुआ? क्योंकि टीचर्स के नाम बड़े भी होते हैं सर. हाँ, और पीछे से सरनेम भी लगते हैं सर. कई बड़े भी होते हैं, कई छोटे भी होते हैं. लेकिन इसका फायदा क्या है? व्हाई वी नॉट कैपिटलाइज करेक्टर टाइप? छोटे बड़े का तो क्योंकि सर फिर वो ज्यादा जगह घेरते हैं ना सर. कैर तो फिक्स्ड जगह घेरेगा और वेयर कैर वर्सेटाइल है, जैसे मर्जी हो सकता है. जितना लिखोगे उतने घेरेगा सर जगह. हाँ ठीक है ठीक है. सो बेसिकली वेयर कैर इज फॉर वेरिएबल लेंथ. वेरिएबल लेंथ जैसे नेम है अमित है, तो अमित ओनली 4 कैरेक्टर्स कंज्यूम कर रहा है. तो हमने उसकी विड्थ कितनी रखी हुई है? 25. तो 25 में से 4 यूज होंगे. रेस्ट 21 विल बी यूज्ड फॉर समवन एल्स. अगर हम उसकी डेटा टाइप करेक्टर 25 रख देते तो उसने 25 ही कंज्यूम करने थे. आपने चाहे उसके अंदर 4 यूज किए हैं या 5 करेक्टर यूज किए हैं. सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग द वेरकर डेटा टाइप. क्लियर? जहां पे वेरिएबल लेंथ है, जैसे आपको क्लास पता है तो क्लास आपको पता है वो हमेशा 2 डिजिट या 11th की है, 12th है, 9th है, 10th है. तो क्लास दो डिजिट की होगी. जैसे सेक्शन है तो सेक्शन हमारे ए बी सी डी ई एफ जी एच, ऐसे हमारे सेक्शन होते हैं. दैट्स व्हाई वी हैव कैप्ट इट एज
single character. So that is, we should know the meaning of these things. Yes. यहां तक किसी को कोई डाउट है? एनी सॉर्ट ऑफ डाउट? कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? एंड स्टिल तरुण ज्योत, नवदीप, हर्षिता, वीरपाल, रोमन प्रीत, ईशान, अरुमन, राजवीर, रविनंदन, प्रियांशी, जसलीन. वो कैमरा बंद करके कहां चले जाते हो आप लोग? अभी तो क्लास शुरू हुई है. यस, एनी क्वेश्चन यू हैव रिलेटेड अप टू दिस लेवल? इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए द की थिंग इज दैट प्रैक्टिकली पहले तो है ज़ैम्प सारे इंस्टॉल करो और तभी आप इसका प्रैक्टिकली जो है अपने सिस्टम पे कर पाओगे. ठीक है जी. So that is the very first practical is very very easy, how to create the table. And agar hum database ke andar different tables dekhna chahte hain, kaun kaun se tables hain, so you can use type this command show tables. To dekho hamare database ke andar abhi to humne database banaya hai, to iske andar abhi ek hi table hai, the name of that table is student. Clear? So show table se ye bhi aap check kar sakte. और जैसे जैसे मैंने किसी किसी एट्रीब्यूट की डाटा टाइप चेंज करनी है तो उसके लिए कमांड पता है किसी को? अगर लेट्स से ये मैं मार्क्स की डाटा टाइप चेंज करना चाहता हूं, जैसे मैं इसकी विड्थ कम करना चाहता हूं लेट्स से, तो कैसे कर सकता हूं? कोई स्टेटमेंट पता है किसी आप लोगों को कौन सी स्टेटमेंट यूज करते हैं? चेंज दी डाटा टाइप या कोई नया कॉलम ऐड करना है, अगर हमें टेबल बनाने के बाद पता चला कि हमें एक और एट्रीब्यूट चाहिए टेबल के अंदर, सो हाउ वी कैन ऐड अ न्यू एट्रीब्यूट? यस, सो द स्टेटमेंट इज गिवन बाय अमरवीर इज सेइंग अल्टर स्टेटमेंट. यस, तो एक ही अल्टर मेरे को एज सच तो अभी कैसे आइए अल्टर टेबल अल्टर के स्पेलिंग ए आर है या टी ई आर? अल्टर टेबल टेबल नेम है स्टूडेंट. मॉडिफाई मार्क्स ऐसे ये स्टेटमेंट होती है मार्क्स टू आई थिंक. So सिंटेक्स में इसका सिंटेक्स चेक करना पड़ेगा. सो टुमारो वी विल कम आउट विद द सिंटेक्स ऑफ द स्टेटमेंट. सो अल्टर स्टेटमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट एंड नेक्स्ट वी विल ट्राई टू क्लियर. आपको मैंने हिंट दे दिया है, सो टुमारो वी विल इंप्लीमेंट दिस स्टेटमेंट अल्टर स्टेटमेंट. हाउ टू चेंज द डाटा टाइप, हाउ टू डाटा कॉलम की डाटा टाइप को चेंज करने के लिए भी अल्टर स्टेटमेंट है और नया कॉलम एड करने के लिए, दोनों के लिए हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट है? अल्टर स्टेटमेंट. सो टुमारो वी विल फोकस ऑन दिस अल्टर स्टेटमेंट ऑल्सो. Now the next जो है प्रोसेस, we will try to insert few values. So insert into student जो values हैं, तो पहली तो integer है, so let's say we start with the roll number 101. Name is clear and then the class is, we say the 11th is the class, but iski data type character hai to 11 hame quotes mein likhna padega and section let's say the section is A, then next hai hamari section ke baad gender. Next is date of birth.
and the next is marks for children. So one row is successfully inserted, and to check the contents. So this is how we check the contents. And the date of birth क्या आ गई इसमें? ये तो सारी 00 आ गई है सारी. Because the format is different. By default जो format होता है वो होता है पहले year आएगा. Then is I think month, and then is I think is the day. अब हमें दूसरा रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि पहला रिकॉर्ड तो या तो हम अपडेट कर सकते हैं इसको 102 Abhib, and is let's say यही रहने देते हैं marks. Clear? And you can see here second जो person है उसकी date जो है that has been entered successfully. अगर first को अगर हमने सही करना है date of birth को, we will try with the update statement. Update table name is student, set date of birth is equal to year is that's a 2004, month is 12, day is that's a 31st. Where student underscore ID is 101. ठीक है, तो दिस इज द अपडेट स्टेटमेंट. यू कैन नोट डाउन. मेरे को लगता है पहले आप लोगों ने ये अपडेट का हमने बहुत कम यूज किया था. ठीक है, तो अपडेट टेबल अपडेट स्टेटमेंट का सिंटेक्स क्या होता है? अपडेट के अंदर सबसे पहले है हमारे पास दैट इज वी हैव अपडेट, देन इज द नेम ऑफ द टेबल, देन सेट इज अ कीवर्ड. सेट इज ए कीवर्ड. फिर उसके बाद है कॉलम नेम, जिस कॉलम के अंदर हमने वैल्यू को चेंज करना है. अंडर डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ मैंने ये नई डेट ऑफ बर्थ ये डाल दी है इसके अंदर. और साथ में कंडीशन, कंडीशन मींस किस टेबल किस रो को हमने अपडेट करना है, नहीं तो ये सारी की सारी रोज को अपडेट कर देगा. तो वेयर कंडीशन इज वेयर स्टूडेंट आई डी वाज 101. देखो 101 की डेट ऑफ बर्थ ऐसे आ रही थी 000. बिकॉज जो बाय डिफॉल्ट, ये मैंने एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन भी डाला था कि जो बाय डिफॉल्ट डेट का फॉर्मेट होता है, ये बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट होता है. इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, मीन्स हम डे को पहले करके फिर उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर ऐसे भी कर सकते हैं. बट बाय डिफॉल्ट जो डेट का फॉर्मेट होता है वो होता है ईयर, देन इज मंथ, एंड देन इज डे. तो इससे हमने चेंज कर लिया है. सो आई एम अगेन एक्सप्लेनिंग द अपडेट स्टेटमेंट. अपडेट इज द कीवर्ड, स्टूडेंट इज द नेम ऑफ द टेबल, सेट इज द कीवर्ड, डेट ऑफ बर्थ जिस कॉलम को हम चेंज करना चाहते हैं, दिस इज द न्यू डेट दैट आई हैव एंटर्ड, एंड देन इज द कंडीशन पार्ट वेयर स्टूडेंट आई डी इज इक्वल टू 101, क्योंकि हम इस रिकॉर्ड को ही चेंज करना चाहते हैं. ठीक है जी. सो अपनी अपडेशन को चेक करने के लिए सिलेक्ट स्टेटमेंट को रन करके देख लेते हैं. नाउ यू सी दी डेट फॉर डेट ऑफ बर्थ ऑफ दी फर्स्ट कैंडिडेट हैज बीन चेंज. तो ये थोड़ी सी बेसिक स्टेटमेंट्स हैं, दैट इज. और वन थिंग इज वेरी क्लियर कि डाटाबेस में स्कोर करना इज मच मोर इजी एज कंपेयर टू दी पाइथन, बिकॉज पाइथन के अंदर नंबर ऑफ प्रोग्राम्स काफी ज्यादा बन जाते हैं हमारे पास. बट इन माई एसक्यूएल वी हैव वेरी फ्यू स्टेटमेंट्स, ठीक है, जिसका हमने यूज करना होता है. और जो क्रिएट स्टेटमेंट है वो किस कैटेगरी, जो हमने एसक्यूएल की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, ठीक है, डीडीएल, डीएमएल एंड डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, तो क्रिएट स्टेटमेंट किस कैटेगरी में फॉल करती है? यस एनीवन?
DDL ठीक है, अनम्यूट नहीं हो रहा आप आपसे. यस अलाउ द पार्टिसिपेंट्स टू अनम्यूट. ठीक है, सो हु विल से अबाउट समथिंग अबाउट DDL? So the DDL statements are used to describe the structure and the database schema. Yes, database schema. So database schema is basically schema is nothing but the structure of the table or structure of the database. So jo bhi statements structure ke sath deal karti hain, all those statements are part of DDL. Jaise example hai create, alter, drop. ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं, दिस फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डीडीएल, दैट इज डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज. यस, सो अभिनंदन आपका एक कैमरा नहीं चलता. राजवीर सिंह, वीरपाल का तो कनेक्ट ही हो ही जा रहा है सारी क्लास के अंदर. अरुमंस, जसलीन, मेरे को लगता है कि आप लोग मल्टीटास्किंग करी जा रहे हो साथ साथ में. नहीं, क्लास भी चल रही है, क्लास में भी बैठे हैं, एंड स्टिल देर आर थ्री फोर. रोमन प्रीत सिंह, वीरपाल इज कनेक्टिंग. वीरपाल तो सारी क्लास में कनेक्ट करता रहता है. एंड अरुमन्स फोन. ठीक है जी, सो प्रैक्टिकल साइड तो हमारे दो तीन हो गए हैं. और देखो नेक्स्ट है हमारे पास जो प्रैक्टिकल नंबर 17 है. तो 17 में बस यही लिखा हुआ है हाउ टू बेसिकली एड 10 रोज. 10 रोज एड कैसे करनी है, बस वो इंसर्ट स्टेटमेंट से एड करनी है. जैसे जब हमने टेबल क्रिएट किया, तो लेट्स से मैं भूल गया कि मैंने अगर मैं भूल गया दैट इज कि उसके अंदर मैंने प्राइमरी की कंस्ट्रेंट नहीं लगाया, तो फिर मैं बाद में कैसे लगा सकता हूं प्राइमरी की कंस्ट्रेंट. Yes. Yes. तो अगर मैं कंस्ट्रेंट लगाना भूल गया तो बाद में कंस्ट्रेंट लगाना चाहता हूं, सो वो भी मैं जो है दैट आई कैन डू विद द हेल्प ऑफ अल्टर स्टेटमेंट, अल्टर टेबल, टेबल नेम. सो टुमारो वी विल प्रैक्टिस फ्यू ऑफ द ऑप्शंस ऑफ द अल्टर स्टेटमेंट ऑन द स्टूडेंट टेबल इटसेल्फ. ठीक है, तो कल इसी के ऊपर काम करेंगे ऑन द अल्टर स्टेटमेंट. और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है सारे के जितने स्टूडेंट्स हैं, प्लीज इंस्टॉल द ZAMP ऑन योर सिस्टम्स. अगर इसको प्रैक्टिकली करना है, कितने स्टूडेंट्स के पास है ZAMP? और यस, गुरलीन के पास है, और श्रिया के पास भी है, अमरवीर के पास भी है, बाकी रोमिका सक्षम के पास भी है, वंशिका, भव्या, महक, नवदीप सिंह इंस्टॉल किया है. हाँ, करो अनम्यूट करके आंसर करो. Yes, others, Jasleen, नहीं किया, जसलीन ने नहीं किया. एंड राजवीर, नो सर. वंशिका, यस सर. ठीक
किया है इंस्टॉल ये? यस सर। ओके ओके ओके। एंड जिनका रह गया बेटा, सो बी क्विक एंड ट्राई टू इंस्टॉल दिस एज सून एज पॉसिबल, क्लियर? तभी इसको फायदा है, अदरवाइज तो इन स्टेटमेंट्स को देखने से तो ज्यादा लर्निंग होगी नहीं, ठीक है? So we move to the now to the theory section. So emerging trends ke andar we were doing the cloud computing. Clear. So the next is basically to what are the differences between the public and the private clouds. Clear. So we have already discussed this a bit. So again, a detailed answer here is given. The comparison is given between the public and the private cloud. So it is hosted at the service provider side, and the private cloud is hosted at the enterprise or service provider service. तो इसमें तो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है इस पॉइंट के अंदर, ठीक है? क्योंकि जो भी उसका ओनर होगा उसी के पास एट दैट एंड इज द क्लाउड इज बेसिकली इंस्टॉल्ड. सो पब्लिक क्लाउड इज चीपर देन द प्राइवेट, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है. डेफिनेटली पब्लिक विल बी लेस कॉस्टली. लेस कॉस्टली में क्या है, उसके तो हमारे पास जो अपना इंटरनेट वगैरह के चार्जेस पड़ेंगे, बाकी क्लाउड की सर्विसेज तो ऑलमोस्ट फ्री होगी. So private clouds are more costly as compared to the public clouds. Public clouds utilizes the shared infrastructure. और जो private में क्या है कि आपको एक exclusively infrastructure एक particular time के लिए मिल जाता है, ठीक है जी? So this is the difference कि आप उस infrastructure को own कर रहे होते हो और public के अंदर आप क्या कर रहे होते हो, share कर रहे होते, ठीक है जी? Public cloud supports connectivity over the internet, and this also basically private clouds also provide the connectivity over the internet plus the private network also. क्योंकि अगर आप अपनी कंपनी के अंदर ही इसको यूज कर रहे हो, सो वो आपका प्राइवेट नेटवर्क को यूज करके भी आप उस क्लाउड को यूज कर सकते हो. तो ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है? पब्लिक को सिर्फ आप इंटरनेट से ही यूज कर सकते हो, जैसे द एग्जाम्पल इज लाइक जीमेल and Google Drive and so on. और जो private cloud है उसके अंदर क्या है, that you can use the internet as well as using the private network also. Private WAN है आपका तो private हो जाएगा. Next है the public clouds supports require higher level of security and they require the medium level of security. क्योंकि इसमें तो प्राइवेट के अंदर तो वो आपको काफी ज्यादा खुद ही वो दे देगा, सिक्योरिटी फीचर्स दे देगा, बट पब्लिक के अंदर आपको ज्यादा सिक्योरिटी रिक्वायर्ड ज्यादा है, क्योंकि आपको अवेलेबल सिक्योरिटी लेस है, ठीक है? इसमें आपको मीडियम सिक्योरिटी रिक्वायर्ड है, बिकॉज ऑलरेडी जो प्राइवेट क्लाउड है उसके अंदर ऑलरेडी आपकी एक्सेस जो है वो किसी और को तो एक्सेस मिलेगी नहीं उसके अंदर. सो ऑलरेडी द लेवल ऑफ सिक्योरिटी इज हायर इन केस ऑफ प्राइवेट क्लाउड, ठीक है? पब्लिक क्लाउड्स मल्टीपल कस्टमर को सपोर्ट कर रहे हैं और प्राइवेट क्लाउड जिसका वो क्लाउड है उसी को सपोर्ट करेगा, और तो किसी को उस टाइम पे वो सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है? दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट? जैसे जीमेल है तो जिस जीमेल में देखो मल्टीपल कस्टमर्स उसको यूज कर रहे हैं, बट अगर आपने कोई प्राइवेट ईमेल सर्विसेज यूज कर रहे हो तो सिर्फ जो उसने जिस पर्सन ने उसको बाय किया है उस पैकेज को सिर्फ वही यूज कर सकता है. रेस्ट द पीपल दे कैन नॉट मेक यूज ऑफ दैट वेरी क्लब. इसमें है शेयर्ड सर्वर है हमारे पास, इसमें है आपके पास डेडिकेटेड सर्वर, ठीक है? तो शेयर्ड मींस मल्टीपल यूजर शेयर कर रहे हैं, इसमें सिर्फ जो कंपनी के कस्टमर्स हैं वही यूज कर रहे हैं. इसकी कॉस्ट फिक्स्ड है, इसकी कॉस्ट वेरिएबल है. कंपनी क्या करती है, टाइम टू टाइम क्लाउड की जो चार्जेस हैं उसको क्या करती रहती है, वेरी करती रहती है, फिक्स नहीं होते कभी उसके चार्जेस. इसमें मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर है, इसमें डेडिकेटेड कस्टमर आर्किटेक्चर है. तो बिकॉज हियर वी हैव टू सपोर्ट मोर पीपल, सो एग्जांपल्स हियर आर गिवन लाइक अमेज़न क्लाउड, ठीक है?
तो डिफरेंट डिफरेंट कंपनी है, IBM है, गूगल है, सन का क्लाउड है, विंडोज अजूर है. सिमिलरली ऑन दी प्राइवेट क्लाउड्स अगेन देयर आर मल्टीपल प्लेयर्स आर देयर. हीलियन है, इसमें Amazon भी है, इसके अंदर भी है प्राइवेट क्लाउड के अंदर. HP भी है एंड लाइक मैनेज्ड वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड सर्विसेज गिवन बाय हीलियन. तो मल्टीपल कंपनीज है विच आर प्रोवाइडिंग दी सर्विसेज ऑन दी पब्लिक साइड एज वेल एज ऑन दी प्राइवेट साइड. तो प्राइवेट का मोटा मोटा जो हमारे पास डिफरेंस है दैट इज प्राइवेट क्लाउड्स वी आर बेसिकली पेइंग फॉर दैट वेरी सर्विसेज एंड मोस्टली इन दी पब्लिक क्लाउड्स वी आर शेयरिंग दी रिसोर्सेज विद मल्टीपल यूजर्स. क्लियर? तो जो पब्लिक क्लाउड्स है उनमें कंपनीज का अर्निंग मॉडल डिफरेंट है, जो प्राइवेट क्लाउड्स हैं उनमें कंपनीज का अर्निंग मॉडल डिफरेंट है. सो ये भी मोटा मोटा हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कंपनीज अगर फ्री में क्लाउड दे रही है तो उनको उनको क्या फायदा है. ठीक है, ये भी क्वेश्चन होना चाहिए कि पब्लिक क्लाउड जैसे फ्री हैं तो वो फ्री क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, व्हाई दे आर प्रोवाइडिंग दी फ्री क्लाउड्स. तो हाउ दे आर अर्निंग, वो अर्न कैसे कर रही है. जैसे अगर आप देखो, अगर हम बोल रहे हैं कि गूगल जो है वो एक एक यूजर को 1 TB स्पेस दे रहा है, तो उसके पास तो बिलियंस ऑफ यूजर्स हैं उसके पास, तो इतनी वो इतनी जो स्पेस दे रहा है, सो हाउ इज बेसिकली द गूगल इज अर्निंग, उसका अर्निंग मॉडल क्या है. क्लियर? सो दे हैव द अर्निंग मॉडल विद देम आल्सो. बेसिकली कोई भी सर्विस आपको ऐसे फ्री में तो प्रोवाइड कर नहीं रहा, दे विल बी आल्सो अर्निंग फ्रॉम दी वो बेसिकली कस्टमर्स का डाटा ही वो यूज करते हैं. क्लियर? तो बेसिकली अर्न for their companies. ठीक है, any point you have regarding the practical as well as the theory topics? Yes, so Amarveer is quick to say it is clear, so everyone is I think in the clear mode, sir. Yes, good. जो आपने एग्जांपल अभी दिया गूगल का सर, तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं एक और बार, वो पैसे कैसे कमाते हैं सर? यो वो बेसिकली कस्टमर्स का हमारा ही डाटा यूज कर रहे होते हैं और क्या करते हैं, एड्स है. आप देखो जितने ज्यादा कस्टमर आपके पास होंगे, जितने ज्यादा लोग आपके पास होंगे, उतना ही आपके पास डाटा भी तो रिच होगा उनके पास. वो आप बेसिकली जो है जो सर्च इंजन है गूगल का, वहां पे क्या सर्च करते हो, सो ये सारा वो डाटा कलेक्ट करके उसको मोनेटाइज करता है बाद में. ठीक है, एडवर्टाइजमेंट हो गई, एड भी वो कर रहा है. ठीक है, और आफ्टर ए सर्टन लेवल अगर आप उसकी सर्विसेज देखो, आगे जाके उसकी पेड होती जाती है सर्विसेज. जैसे अगर आपने कोई बिजनेस लेवल पे कोई एक्टिविटी करनी है तो फिर वो सर्विसेज सारी पेड हो जाती है उसकी. तो लाइक दीज आर दी बेसिक अर्निंग देयर, उनका जो मॉडल है एडवर्टाइजमेंट होगी एक, तो दूसरा हो गया जो हमारे कस्टमर यूजर्स हैं उनका डाटा को यूज करना, उनके डाटा को यूज करना. क्लियर? उसके डाटा को एनालाइज करके एंड टू मोनिटाइज दैट, दैट इज बेसिकली देयर बेसिक अर्निंग मॉडल. यस यस, एनी अदर पॉइंट यू वॉन्ट टू डिस्कस? क्लियर? सो माई हम्बल रिक्वेस्ट इज कि जो प्रैक्टिकल में आज हमने शुरू किया है उसको प्रैक्टिकली करके देखो. एंड क्लास में तो हमें एक बेसिक आइडिया हो जाता है, जब तक आप प्रैक्टिकली इसको करके नहीं देखोगे सो देन दी थिंग्स विल नॉट बी क्लियर फाइनली. ठीक है, और ये है कि जिन बच्चों ने इंस्टॉल नहीं किया हुआ है XAMPP, ट्राई टू इंस्टॉल दी XAMPP ऑन योर सिस्टम्स. थैंक यू बेटा. थैंक यू सर. थैंक यू.